सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाई कोर्ट ने किया तलब। लखनऊ एसपी को 5 लाख रुपए का जमानती वारंट तालीम कराने का आदेश। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय 13 करोड़ निवेशकों का पैसा लेकर बैठा है और उसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घमासान मचा हुआ है। और आज जो दोस्तों हम आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, अपडेट जबलपुर की है। और जबलपुर की ये बड़ी अपडेट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अपडेट हमारे पास अब से 2-3 दिन पहले आई थी और सभी निवेशकों तक ये अपडेट नहीं पहुंच पाई थी किसी कारणवश। तो दोस्तों, ये अपडेट फिर हम आपके लिए लेकर आए। अपडेट मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए आज बड़ा आदेश सुनाया है। हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 5 लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। यहाँ दोस्तों अपने आप में ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए हाजिर हो, यानी कि सहारा सुब्रत राय को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है अगली सुनवाई में। हाई कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय त्रिवेदी की कोर्ट में हुई। या दोस्तों, यहाँ पर संजय त्रिवेदी की कोर्ट में ये सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के 2 सप्ताह में होगी, यानी कि आने वाले और 10-12 दिन के बाद फिर ये एक यहाँ पर बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आएगी। पूरी अपडेट यह है कि सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू, बागबाई साहू और ऋषिकांत साहू की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लखनऊ एसपी को निर्देश दिए हैं कि वह सहारा समूह सुब्रत राय के खिलाफ 5 लाख रुपए वारंट तालीम कराने का आदेश भी दिए। याचिकाकर्ताओं के वकील अंकित मिश्रा ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने सहारा पैरा बैंकिंग में अपने रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। यह राशि 25 लाख रुपए पहुँच गई थी। यह दोस्तों एक बड़ी राशि यहाँ पर सहारा इंडिया दबाए हुए है पीड़ित निवेशक की, यानी कि 25 लाख रुपया यहाँ पर याचिकाकर्ता का सहारा प्रबंधन लेकर बैठा हुआ है। और याचिकाकर्ता ने बताया कि 2 साल पहले निवेश मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी, इसके बाद भी सहारा ने उन्हें पैसे नहीं लौटाए। तो दोस्तों, 13 करोड़ निवेशकों के पैसे इसी तरीके यहाँ पर अटके हुए हैं। आगे खबर यह है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि सहारा कंपनी में 25 लाख रुपये लेना है, जिसकी 2 साल पहले मैच्योरिटी हो चुकी थी। जब रुपया नहीं मिले तो पीड़ित ने भारत सरकार की CRC सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ कॉपरेशन सोसाइटी दिल्ली में शिकायत की और जब तक वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर उसे राहत नहीं मिली। तो दोस्तों, ये अमित शाह का जो है मामला कुछ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल रजिस्टर्ड के वही यहाँ पर वित्त मंत्री जो भी मंत्री हैं वो यहाँ पर हैं और शिकायत वहाँ पर इनकी नहीं सुनवाई गई और जब वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिली तो पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में 2 सप्ताह होगी। तो दोस्तों, जो भी अपडेट हमारे सामने निकल कर आएगी हम आपके सम्मुख लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी एक ऐसी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, जिससे पता चलता है कि एक ही निवेशक के 25 लाख रुपया यहाँ पर सहारा लेकर बैठा था। दोस्तों, ऐसे जाने कितने करोड़ों निवेशकों का पैसा यहाँ पर गबन होने की कगार पर है। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए आज खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय जय भारत। साइन आ रहा दोस्तों।